हे ऑल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डे इन माय लाइफ। आई होप आप सभी लोगों ने पार्ट वन देख लिया होगा। अब तक अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसमें मैंने मेरा पूरा दिन का शेड्यूल कैसे है, मेरा शेड्यूल, अनाया का शेड्यूल, सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और दिखाया भी है। आज इस वीडियो में, मतलब पार्ट टू में, मेरा इवनिंग का शेड्यूल कैसे होता है, मतलब सोने तक का पूरा शेड्यूल मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। होप यू गाइज विल लव दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर, ताकि आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहेंगी। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो नीचे मेरे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, उसे भी जाके जरूर फॉलो करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने खत्म की थी, 6 बज गए थे और हमारा चाय का टाइम हो चुका था, और जैसे मैंने आपको बताया था कि शाम की चाय रोशन बनाता है और रोशन अपने ड्यूटी पर लग चुका है। यहाँ पे रोशन चाय बना रहा है और मैं यहाँ पे भगवान के पास और तुलसी के पास दिया लगा रही हूँ। अनाया मेरे साथ ही खेल रही है साइड में, और आपको दिख रहा होगा कि घर बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट वन में कि सुबह के टाइम में रोबो क्लीन कर देता है घर, और शाम को 5 बजे आंटी आते हैं जो कि घर पूरा क्लीन कर देते हैं। तो आपको अभी एकदम चकाचक दिख रहा होगा ना, ऐसे शाम को हो जाता है। तो उसके बाद फ्रेशनेस के लिए मैं पहले दिया बत्ती लगाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कैम्फर भी लगा देती हूँ, जिससे पॉजिटिव वाइब्स और फ्रेशनेस घर में बनी रहती है। तो यहाँ पे ये मेरा काम हो चुका। यहाँ पे रोशन की चाय बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने अनाया को बालकनी में रॉकर के साथ रख दिया है और हमारी सिटिंग अरेंजमेंट भी कर दी है चाय पीने के लिए। तो रोशन यहाँ पे हमारे लिए चाय लेके आने वाला है अभी। सो दिस इज हाउ एवरीडे वी एंजॉय आवर टी टाइम। काम से थोड़ा सा टाइम निकाल के हम लोग ये हमारा टाइम एंजॉय करते हैं। इस वक्त अनाया की भी अच्छी नींद हो गई रहती है दिन भर, तो वो भी अच्छे से खेलती है, एंजॉय करती है हमारे साथ। रॉकर में उसे डाल दो, वो परेशान नहीं करती है, वो खुद ही खुद खेलते रहती है। और इसके बाद टाइम आता है अनाया के मेडिसिन का, तो यहाँ पे मैं उसे आयरन वाली मेडिसिन देती हूँ। अराउंड 6:30 अब टाइम हो चुका है, और इस टाइम पे रेगुलर हम उसे मेडिसिन देते हैं। ये वाली मेडिसिन लेते वक्त अनाया का असली मज़ा आता है, क्योंकि उसे आयरन वाली मेडिसिन का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद। वो बहुत नाटक करती है, पूरा बाहर निकालती है, बहुत शानी हो चुकी है वो अभी। पहले बहुत ही चुपचाप से ले लेती थी, अभी वैसा नहीं रहा। अभी वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसे समझ में आने लग रही है टेस्ट। कभी कभी ये मेडिसिन देने में हमें 5-10 मिनट लग जाते हैं 1 ml मेडिसिन देने में। बहुत नाटक करती है, बहुत ही टेक्निक से उसे ये मेडिसिन देने पड़ती है, और रोज़ हमारा इतना फेस तो ख़राब होता ही होता है आयरन लेते वक्त। उसके बाद मैं अनाया को फ्रेश कर देती हूँ, रेडी करती हूँ, उसे कपड़े वगैरह पहनाती हूँ। दूसरे बच्चों को शाम में एक बार फिर से रेडी करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हम भी शाम में एक बार फ्रेश होते हैं, तो वैसे ही मैं अनाया को फ्रेश कर देती हूँ। उसे जैसा हम नहाने के बाद रेडी करते हैं वैसा ही रेडी करती हूँ, और उसके बाद हम दोनों जाते हैं गार्डन। ये हमारा रेगुलर रूटीन है गार्डन जाने का। घर में दिन भर रह के वो भी बोर हो जाती है सो के इनफैक्ट, तो फिर हम लोग दोनों गार्डन के लिए जाते हैं। थोड़ा मेरा भी वर्क हो जाता है और उसे भी फ्रेश लगता है। बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखता है, आजू बाजू के लोग दिखते हैं, बच्चे थोड़ा इंटरेक्टिव होते हैं इससे, तो उन्हें रोज़ हमें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और आप पूछोगे आप ये कब से करते हो, तो एक्चुअली हम day 1 से उसे बाहर लेके जाते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में हम थोड़ा धूप दिखाने के लिए पहले उसे लेके जाते थे, एंड एक बार उसके 21 डेज खत्म हो गए, उसके बाद तो हम उसे कोई टाइमिंग नहीं, कभी भी जब हम बाहर जा रहे हैं तब लेके जाते हैं। और हाँ, घुमाने के लिए जब हम पुणे वापस आए तो ये रेगुलर रूटीन बन गया है हमारा। अब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना हो चुका है। जब अनाया 2 महीने की थी तब हम लोग पुणे वापस आए थे, और तब से हम उसे रेगुलर गार्डन में लेके जाते हैं शाम को घुमाने के लिए। फिर अराउंड 45 मिनट्स to 1 hour हम लोग गार्डन में ही रहते हैं। तब तक घर में आंटी आ जाते हैं और डिनर की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी रहती है। फिर 8 बजे तक के खाना बन जाता है। तो आज डिनर में बना है मूंग की दाल और ज्वार की भाकरी। जनरली हम लोग दिन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, ऐसा सब कुछ खाते हैं, और रात के टाइम में हम लोग चावल को स्किप करते हैं और भाकरी बनाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही में मैं आज बना रही हूँ आमपना। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम दिन में 4 बजे दही या फिर बटर मिल्क ऐसा कुछ लेते हैं, तो समर टाइम में हम उसे आमपने से भी रिप्लेस करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सारा आमपना एक साथ बना के रखती हूँ, जो कि हमें 4-5 दिन और 8 दिन तक चल जाता है। और मैं ये गुड़ का बनाती हूँ ताकि हम शुगर अवॉइड कर सके। फिर आता है अनाया के फीडिंग का टाइम, तो खाना खाने से पहले मैं उसे फीड कर देती हूँ। इस टाइम पे कभी कभी वो सो जाती है, कभी कभी नहीं सोती है, डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, गार्डन में वो वॉक करते हुए स्ट्रॉलर में हवा लगती है तो सो जाती, फिर घर आने के बाद नहीं सोती। अगर गार्डन में नहीं सोई तो घर में सो जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि उसे कब नींद आ रही है उस पर। ये वाली नींद जो है वो कन्फर्म नहीं होती है। आज अनाया सो नहीं रही है, तो देखिए पापा किस तरीके से ट्राई कर रहे कि वो सो जाए, क्योंकि उसे नींद आई है ऐसे हमें समझ में आया, बस थोड़ा सा उसे पुश मिल जाए तो वो सो जाएगी। इसलिए कुछ इस तरीके से ट्राई करके हम 5 मिनट उसे सुला देते हैं और वो सो भी जाती है।
और फिर रोशन की मेहनत सफल रही, अनाया सो गई है। इसके बाद हम लोग करेंगे डिनर, तो मैं गई थाली परोसने के लिए। घर में आज बना है आम का रस, तो हम लोग आम का रस खाएंगे उसके साथ जो भी खाना बना है वो, और मैं साथ ही में सलाद कट कर रही हूँ, वो भी हम थाली में लेंगे। रोज का हमारा डिनर का टाइम होता है 8:30 to 9 के बीच में। इसके बीच हम खाना खा ही लेते हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं होने देते। इससे पहले अगर हो पाए तो ऐसी हम कोशिश करते हैं, बट लेट नहीं होने देते। तो यहाँ पे हमारा डिनर सर्व करके रेडी हो चुका है, अब हम डिनर करेंगे। इस वक्त जो अनाया का नैप टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो हमारा डिनर होते तक वो उठ भी जाती है, और उसके बाद मैं उसके साथ खेलते हुए मेरा काम करती हूँ। एक अराउंड एक घंटा मैं काम करती हूँ, उसके बाद हम लोग जाते हैं वॉक के लिए। तो ये मेरा काम का टाइमिंग आपने देख लिया होगा, एक दोपहर में होता है, एक थोड़ा सा इस टाइम मुझे टाइम मिलता है तब मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर 10 बजे हम लोग निकलते हैं वॉक के लिए। तो अनाया को मैं रेडी करती हूँ और स्ट्रॉलर में डाल देती हूँ, इस तरीके से उसे थोड़ा पैक करने की कोशिश करती हूँ, पर वो ज़्यादा टाइम रखती नहीं है वैसा। तो हम लोग जाते हैं, और इस वक्त हम लोग 30 to 45 minutes वॉक करते हैं डेली। तो मेरा दिन में ऑलमोस्ट 1 to 1.5 घंटा वॉक हो जाता है, विच इज़ नेसेसरी, क्योंकि बाकी कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो एटलीस्ट अब के दिनों में वॉक तो भी मैं कर ले रही हूँ। इस वक्त वॉक के टाइम अनाया मोस्टली सो ही जाती है, कभी कभी नहीं भी सोती है। वॉक करके घर आने के लिए हमें ऑलमोस्ट 10:45 हो ही जाते हैं, तो अनाया के फीड का टाइम हो जाता है। बट उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, दूध पी लेते हैं। तो मैं पहले दूध गर्म करती हूँ। दूध में मैं रोज़ 1 चम्मच शतावरी लेती हूँ, जो कि लैक्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैंने बहुत सारे लोग मुझे जहाँ पे पूछते हैं कि लैक्टेशन के लिए क्या करें, क्या खाए, तो मैंने बहुत सारे हेल्दी चीज़ें इसके अलावा भी बताई है। बट शतावरी लेने से और भी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, इसलिए मैं भी रोज़ शतावरी लेती हूँ। मैं और रोशन, हम दोनों भी लेते हैं। हमारे घर में जो भी डाइट करते हैं हम दोनों फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद अनाया का और हमारा प्ले टाइम होता है, क्योंकि दिन भर हम दोनों भी बिजी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते। इस वक्त वो भी बहुत हैप्पी रहती है और अच्छे से हमसे बातें भी करती है, तो ये टाइम 15-20 minutes हम उसके लिए देते हैं और उससे बातें करते हैं। उसके बाद मैं अनाया को फीड करती हूँ। ये जो फीड होता है लास्ट वाला डे का, वो सबसे ज़्यादा टाइम होता है, मतलब थोड़ा लॉन्ग टाइम मैं फीड करती हूँ, ताकि उसकी थोड़ी नींद जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहे, लॉन्ग आज बच्चे सोते हैं उससे। बट ये सजेशन उनके लिए है जिनके बेबी 3 months से नबाव है, क्योंकि उसके पहले अगर आपने बच्चों को ज़्यादा फीड कर दिया तो उन्हें वोमिट होता है, उन्हें तकलीफ होती है। 3 months के बाद बच्चों का डाइजेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है और उनकी भूख भी बढ़ जाती है, तो उस वक्त आप थोड़ा सा ज़्यादा फीड करके उन्हें सुला सकते हो, मतलब वो जल्दी से नहीं उठते हैं नेक्स्ट फीड के लिए। और फिर फीड करते करते अनाया सो जाती है। तो एवरीडे यही रूटीन होता है, 12 बजे अनाया सोती है, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम लोग सुबह 9:30 या फिर 9 बजे उठ जाते हैं। तो यही हमारा शेड्यूल होता है पूरे दिन का, रात तक सोने तक मैंने सारा कुछ आपको शेड्यूल बताया हुआ है कि कैसे अनाया सोती है, कब उठती है, कब खाती है, कब पीती है, और मेरा भी जो भी शेड्यूल है मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको इस पे कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप सभी लोगों का बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरी डाइट पे, तो मैं जल्दी ही मेरा डाइट स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि मेरा थोड़ा वेट लूज़ करने के लिए मुझे हेल्प करेगा, और उस पर मैं डेली आपको अपडेट दूंगी, मतलब डेली एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि आज मैंने दिन भर में क्या खाया है। आई होप दैट विल हेल्प यू। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वैसे पोस्ट करने ही वाली हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।